दोस्तों, हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर था। वह अपने शक्ति के घमंड में खुद को ही भगवान मानने लगा था और उसने अपने राज में ईश्वर की नाम लेने पर ही रोक लगा दिया था। लेकिन हिरण्यकशिपु का पुत्र, जिसका नाम प्रहलाद था, वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है और यह देखकर प्रहलाद के पिता उसको कई तरह का दंड भी दे चुका था, पर प्रहलाद अपनी भक्ति नहीं छोड़ा। तो प्रहलाद के पिता गुस्से में आकर अपनी बहन को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका था और उसको वरदान मिला था कि वो आग में जल नहीं सकती है। इसलिए हिरण्यकशिपु अपनी बहन को आग में प्रहलाद को लेकर बैठने का आदेश दिया। पर जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठती है तो होलिका ही जलने लगती है और मर जाती है। पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था। इसी प्रहलाद की भक्ति को याद करते हुए होलिका जलाया जाता है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। दोस्तों, होलिका जलने के पीछे बस यही छोटी सी कहानी है। वैसे तो होली को लेकर काफी कहानियां हैं, पर होलिका क्यों जलता है, यही कारण है जो होलिका जलाया जाता है।